देखिए कक्षा 7वीं का, यहाँ पे 8वीं गलती से लिख दिए हैं, ठीक है। ये 7वीं का गणित है, कक्षा 7वीं का गणित है। प्रश्नावली है आपका 11.3, और प्रश्न में यहाँ पे बोल रहा निम्नलिखित समीकरणों का हल करें एवं प्राप्त हल की जांच करें। तो यहाँ पे एक में आपको दिया है x/3 माइनस x/5 बराबर -2। तो हमें करना क्या है, इन समीकरणों को हल करना है, ठीक है, और जो हमें हल प्राप्त होगा उसका जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, x/3 माइनस x/5 है, ये बराबर चिन्ह के बाई तरफ है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं LHS, और ये बराबर चिन्ह के बाद यहाँ पे इधर दाई तरफ दिया है -2, तो इसको हम इंग्लिश में राइट हैंड साइड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दायां पक्ष, ठीक है, और इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं RHS। समझ में आया, अब क्या करना है, x/3 माइनस x/5 है तो इसको हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 और 5 का, यानी हर जो है 3 और 5, इसका हम LCM करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देकर 3 और 5 का एलसीएम करेंगे, तो आएगा कितना एलसीएम, 15 आएगा। उसके बाद ये जो हर 3 है इससे हम डिवाइड करेंगे 15 में, यानी एलसीएम जो 15 आया है इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 5 15, भागफल हमारा आ रहा 5। अब 5 को क्या करेंगे, ये एक्स जो है अंश, इसमें हम गुना करेंगे, तो हो जाएगा आपको 5x। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 5 जो हर है इससे हम डिवाइड करेंगे 15 में, एलसीएम 15 में, तो 5 3 15 भाग देने पे भागफल आ रहा 3। 3 से अब हम क्या करेंगे, अंश जो एक्स है इसमें गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 3x। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख लेंगे। अब देखिए ये 5x है और ये -3x है, इसको अब हम घटाएंगे, तो 5x में -3x जब माइनस होगा तो आपको हो जाएगा 2x, ठीक है। अब क्या करना है, बराबर का चिन्ह देना है फिर से, यहाँ पे या लिख लेंगे, या 2x घटाने पे आ रहा है कितना 2x, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद -2 है तो -2 लिखेंगे। अब देखिए ये 15 जो है ये भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो ये हो गया गुना में 15। अब देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पे या, अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x, फिर बराबर का चिन्ह, फिर -2 को 15 में गुना करेंगे, तो ये माइनस का है 2 और ये प्लस का 15 है, तो माइनस को माइनस प्लस आपको होता है माइनस, तो 2 को 15 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -30, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है इधर आएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, ठीक है। 2 से -30 में भाग देंगे तो आएगा आपको -15, या x का मान कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -15, तो x का मान आ रहा है यहाँ पे -15, हमें हल प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जांच करना है, तो यहाँ पे हम जांच कर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में कौन कौन है, x/3 है माइनस x/5 है, तो LHS बराबर हो जाएगा आपको x/3 माइनस x/5, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान देखिए, यहाँ पे x का मान कितना आया, -15, ठीक है, तो हम यहाँ पे x के जगह पर लिखेंगे -15,
बट्टे में हो जाएगा आपको 3। फिर देखिए ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर है एक्स, तो एक्स का मान कितना आया, -15, तो इसको लिखेंगे -15, इसको कोष्ठक से ऐसे घेर देंगे। बट्टे में आपको दिया है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब आपको 3 से -15 में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 3 5 15, ये माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। 5 को 15 में भाग देंगे तो 5 3 के 15, ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले माइनस का चिन्ह भूल जाइए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो 5 ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो माइनस के 5 को प्लस के 3 में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आएगा आपको -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS बराबर -2, LHS बराबर कितना रहा, -2 आ रहा। और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है, RHS बराबर -2 आ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर RHS, यानी कि LHS बराबर है किसके, RHS के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे अतः हल x बराबर -15 सही हल है। अब देखिए यहाँ पे 2 में आपको दिया है 3x+2/3 बराबर 17/6, इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, तिरछी गुणन करना है, ठीक है। तो 6 को आपको 3x में गुना करना है, तो 6 3 18x हो जाएगा, ये 6 को 3x में गुना करेंगे तो 18x हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। फिर 6 को 2 में गुना करेंगे तो 6 दुना का हो जाएगा 12, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, अब 3 को 17 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 51, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 18x है तो 18x लिखेंगे, या 18x, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 51 को लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस का 12 है यहाँ पे आएगा इधर, तो माइनस का हो जाएगा आपको 12। फिर लिखेंगे या 18x बराबर, 51 में से 12 घटा देंगे तो 11 में से 2 गया 9 और ये 4 में से 1 गया 3, हो जाएगा 3। फिर लिखेंगे या, अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का, तो x बराबर 39 है तो 39 लिखेंगे। अब देखिए ये 18 जो है गुना में है इधर, इधर आएगा तो हो जाएगा आपको भाग में, तो 39/18 हो जाएगा 18। फिर हो जाएगा या x बराबर, ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, तो आ रहा है कितना, 13/6। तो x का मान कितना आ रहा है आपको, 13/6 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको हम जांच करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे हल की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 3x+2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 3x+2/3 में है आपको 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3x जो है ये गुना में है, तो 3 × x का मान कितना आया है, 13/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/6। फिर है +2, तो प्लस का 2 लिख लेंगे, बट्टे में है आपको 3, तो ऐसे बट्टे में 3 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम कटा देंगे, कट जाएगा 3 × 6, 3 1 3, कट गया। अब क्या करना है आपको, 1 है और इसके नीचे क्या है, 3, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/3, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे है 13 और नीचे है इसका 2, 13/2 है, तो इसको हम लिखेंगे 13/2। अब देखिए ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। अब देखिए ये भिन्न रूप में है और ये भिन्न रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे में इसको भी हम भिन्न रूप में लिख लेंगे, 2/1 कर देंगे और ऐसे ब्रैकेट से घेर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
एक बटे तीन का 1/3 लिखेंगे, उसके बाद करना क्या है, 2 1 का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 से 2 में भाग करेंगे तो 2 1 2, 1 को 13 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 13, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, 1 को 2 में भाग देंगे तो आएगा 2, 2 को 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1/3 का 1/3 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे ये जो दिया है 1/3 और यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको गुना का चिन्ह मानते हैं, तो 1/3 का 1/3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और 13 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 17, बटे में आपको 2 दिया है तो हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 1 को 17 में गुना करना है तो आएगा 17, 3 को 2 में गुना करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 17/6 आपको आ रहा है, यानी के तो यहाँ पे 17/6 आ रहा है और यहाँ पे RHS जो है 17/6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर है किसके बराबर है आपको, 17/6 यानी के RHS का, तो RHS, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हल X बराबर 13/6 सही हल है, सही हल है, ठीक है।